आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो लोकल सेल चालू हुआ मोजड़ी कोलेरी में, तो यहाँ का दंगल जो स्थानीय मजदूर है उसको पेमेंट नहीं किया जा रहा है और हम इसके लिए आवाज़ उठाएं, तो मेरा पे गलत टिप्पणी किया गया, मेरे जात के नाम पे बहुत अभद्र व्यवहार किया गया मेरे सिंह मेंशन के नाम पे, और उसका हम ऑडियो का सबूत दे रहे हैं। हम मजदूरों के हक में लड़ रहे हैं, इसीलिए मेरे पे बार बार मेरा क्या बोलता है बर्नवलवा बोला गया, जबकि हम कोई भी किसी का नाम लेके बोलता है और बिना मतलब का मेरे पे ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जो सुनिएगा तो आपको भी ख़राब लगेगा। और कुछ संयुक्त मोर्चा में जो है पलटू सिन्हा सुखदेव विद्रोही, वो दोनों श्री भैया को बुलाकर बोले कि तुम लोग बर्नवाल के साथ मत रहो, बर्नवाल का साथ छोड़ दो, हम लोग गाँव वाला एक रहो, गाँव तब हम मजदूर का पेमेंट करेंगे, उसके साथ रहेगा जनता मजदूर संघ से जुड़ा हुआ रहेगा तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं, हर कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ जो संयुक्त मोर्चा में है वो क्या किसी पार्टी या दल से नहीं जुड़े हुए हैं, और जो भी मजदूर का दंगल बना है वो खुद श्री भैया बना है, सब स्थानीय है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि वो लोग को क्या दिक्कत हो गया कि वो लोग एक टीम बना लिए हैं, ग्रुप बना लिए कि किसी को वहाँ पर कमाने खाने नहीं देना है और सब मजदूर का पैसा को मार लेना है। और जिस तरह मेरा पे पर्सनल टिप्पणी किया गया पलटू सिन्हा सुखदेव विद्रोह के द्वारा, उसका वो बोला गया बर्नवलवा, तो हम भी अगर किसी के बारे में किसी जात के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने और मेरे जनता मजदूर संघ के पदाधिकारी ने कभी ये संस्कार नहीं दिया कि किसी के जात पे अभद्र टिप्पणी करो, किसी के बारे में अभद्र भाषा का व्यवहार करो, हम लोग को नहीं सिखाया गया। इसलिए हम लोग जो वो गलती किए हम ये गलती कभी नहीं करेंगे, हम फिर भी पलटू सिन्हा जी और सुखदेव विद्रोही जी करके बोलेंगे। और वो ऐसा बोल रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे बर्नवाल को जनता मजदूर संघ को, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि मजदूर का वो लोग ढेर हितैषी हैं, तो किस पे कितना केस है, हम पे कितना केस है और वो लोग पे कितना केस है, जाँच करवाए प्रशासन से। और अभी जोगता में जो खुला है कोल्डम उसका मजदूर या सरदारी कहाँ गया, वो पैसा किसके खाते में जा रहा है, किसके पास जा रहा है वो बताएं। अगर मजदूर का हितैषी बनते हैं तो वो पैसा भी वहाँ सरदार बना के बांटें, सब पैसा का बंदर बांट करने के लिए संयुक्त मोर्चा बना है दूसरा को बदनाम करने के लिए। आए दिन ये लोग सिजुआ एरिया में बम गोली चलवाते हैं और दूसरा दल को बदनाम करते हैं, तो हमसे यही कहेंगे कि अगर हम मजदूर के लिए लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे और उन लोग को रोकना होगा तो वो रोक लेंगे। हम मजदूर के हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आंदोलन करते रहेंगे, और जनता मजदूर संघ हमेशा आंदोलन करते आया है, ये इतिहास रहा है जनता मजदूर संघ का कि गरीब और मजदूर का हक दिलवाता ही दिलवाता है। और ये क्या बोलता है, अगर हम लोग के जनता मजदूर संघ के पदाधिकारी पे किसी सदस्य पे अगर किसी प्रकार का कोई भी घटना होता है या किसी पे झूठ केस होता है तो उसका जिम्मेवार संयुक्त मोर्चा के लोग होंगे।